ये जो बातचीत इस तरह से आ जाती है, मैं उनके गुस्से को ये गलत नहीं ठहरा रहा हूं। जब धर्म के ऊपर इस तरह से बात आएगी, रामचरितमानस पर आप इस तरह से बात करेंगे, शिक्षा मंत्री होकर तो सवाल तो उठेंगे। देखिए, गुस्सा हमें सिर्फ एक बात पर आता, आप हमारा अपमान करेंगे हम उसको सहन लेंगे, यदि हमारे सनातन धर्म का, हमारे ग्रंथों का अपमान करेंगे ये सहन नहीं होगा। और किसी ने बहुत प्यारी बात कही है, डिग्री इज ए सिंगल पीस ऑफ पेपर, रियल एजुकेशन सीन इन योर बिहेवियर। जो आपका, जो आप अनएजुकेटेड लोगों को जब आप ऐसे पदों पर बिठाएंगे तो ऐसे हमारे लोगों का अपमान कर रहे हैं। और वो कह रहे हैं रामचरितमानस को जलाएंगे, कसम हिंदुस्तान की खाकर कहता हूँ, माँ गंगा जी की सौगंध खाकर कहता हूँ, वो रामचरितमानस को जला के दिखाए, बिहार में जाकर महंत लोकेश दास उसको जलाएगा, ये कसम हिंदुस्तान की खाकर कहता हूँ। किस बात की बात करते हैं, इतने दिनों से हमेशा एक ही समाज का अपमान हुआ है, हिंदुस्तान का अपमान किया, हमेशा हिंदू धर्म का अपमान किया है, लेकिन अब ये सहन नहीं करेंगे हम। अब हिंदुस्तान प्यार की बात करते हैं, सबरी को गले लगाए, सबरी के झूठे बेर खाए, क्या आपको ये प्यार बांटने वाला नहीं लग रहा? निषाद राज गो को अपना मित्र बनाया, ये नहीं दिखा उनको केविट की नाव पर बैठे, ये प्यार बांटने की? आप राजनीति करते हैं ऐसे लोग, ये छोटे लोग लाइमलाइट में बने रहने के लिए, ये लोग लाइमलाइट में अपने आपको बनाने के लिए, सोशल मीडिया में अपने आप को बनाए रखने के लिए, ये एक झूठे बयान और ये वोट बटोरने की राजनीति है। हम इस देश को हिंदुस्तान बनाना चाहते हैं, हम जाति में नहीं बांटना चाहते किसी को। आप क्यों बांट रहे हैं जाति को? ये हिंदुस्तान है और हिंदुस्तान रहेगा, हम किसी जाति में नहीं बांटना चाहते। अंत लोकेश दास जी जो कह रहे हैं इसको देख लीजिएगा मंत्री जी, आपने जो नफरत के बजाय प्यार बांटा है, ये तस्वीर भी जनता जिंदाबाद इसीलिए आपको दिखा रहा है।